नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बना रहे हैं केले की चिप्स। इसके लिए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और सामग्री। सबसे पहले हम केला लेंगे। केला हमने 500 ग्राम लिया हुआ है और केले इसमें हमें कच्चे चाहिए। और हमारा ये रहेगा मसाला। मसाले में हमारा चाट मसाला रहेगा और ये हमारा सफ़ेद नमक रहेगा। और इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, मगर व्रत में खाने के लिए आपको चाट मसाला यूज़ नहीं करना है। और जो हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नमक भी नहीं, इसकी जगह आप हमें सेंधा नमक लेंगे। और तलने के लिए ये तेल है और चिप्स कटर हमारे चाहिए, जरूर चाहिए। अगर आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। सबसे पहले हम केले को छील लेंगे और हमें केले सब बराबर से नहीं छीलने हैं, नहीं तो ये केले हमारे ये काले पड़ जाएंगे। इसलिए हम एक एक केला छीलेंगे और एक एक केला चिप्स बना के हम तलेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। सबसे पहले पैन में हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसको हम गरम होने के लिए रख देंगे। जब तक ये गरम हो रहा है, आइए जब तक हम केले छील लेते हैं। सबसे पहले ये सादा नमक जो हमारा है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम नमक को घोल लेंगे। नमक हमने करीब 1.5 चम्मच लिया हुआ है और इसको हम घोल के बना लेंगे। और ये जो केले की चिप्स हैं, आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और उसमें आप सेंधा का नमक इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे केला आप इकट्ठा काटना चाहें तो इकट्ठा केला काटने के लिए आपको हल्दी और नमक के पानी में इसको डालना पड़ेगा, मगर हम इसको हल्दी में नहीं डालना है। और इसको हम डायरेक्ट छील के इसको हम बराबर से इसे छील देंगे। इसके लिए केले थोड़े लंबे और बड़े लेंगे। केले को हम धो के साफ करके इस तरह हमने केले ले लिए। अब इसको हम चिप्स बना लेंगे या हाथ से काट लेंगे। अगर हाथ से काटेंगे तो आप इसके इस तरह का चिप्स कटेगा, तो आप चिप्स कटर में भी काट सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह महीन कटेगा, तो उसको हम चिप्स कटर से काट रहे हैं। तेल हमारा ये गर्म हो चुका है और ये हमने चिप्स भी काट लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पहले हम एक चेक कर लेते हैं तेल। हाँ, तेल हमारा हो गया है। अब इसको हम हमें एक बार में एक केला ही डालना है। और अब इसको हमें थोड़ी देर ऐसे नहीं चलाना है, कुछ देर पड़ा रहे तो उसके बाद इसको हम पलटेंगे। अब इसमें हम ये नमक घुला हुआ करीब 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। और इसको थोड़ा संभल के डालना है, पानी जब तेल में जाएगा तो इसमें छींटे पड़ जाती हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। इससे हमारे चिप्स कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं। वो फ्राई हो रहा है, उसके बाद हम दूसरा केला भी छील लेंगे। और देखिए, आपको आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी, उसमें हमने पानी और नमक डाला हुआ है, तो इससे हमारा और थोड़ा सा बच्चों को पास में ना आने दें और खुद भी केयरफुल रहें। अब इसको हम पलट के पलट पलट के सेक लेंगे और उसके बाद हम चेक भी कर लेंगे। बस ये हल्के से होने वाले हैं।
अब इसको हल्का छान के अब निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच और डाल देंगे नमक का पानी। अभी हमारी ये भी फ्राई हो गई, अब इसको हम निकाल देंगे। लीजिए हमारे क्रिस्पी बनाना चिप्स तैयार हैं। वैसे तो ये सॉल्टी हैं, मगर आप इसमें अगर जब खाते समय इसमें आप चाट मसाला डाल देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अब इसको हम और ये बिल्कुल हमारे क्रिस्पी बिल्कुल बने हैं, अब इसको हम निकाल देते हैं। लीजिए तैयार है बनाना क्रिस्प चिप्स। आप इसे बनाइए, खिलाइए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।